आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर। आप यहाँ ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि 2024 में जो मेरी बोर्ड परीक्षा होगी, यानी 2024 में जो आप लोग बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनका प्रिपरेशन, उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो आपके उम्मीद पर हम लोग खरे उतरेंगे। तनु क्लासेस आर्ट कॉम के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सभी मेंबर, सभी टीचर आपके उम्मीद पर खरे उतरेंगे, ठीक है। ये 2024 के बैच का सबसे फर्स्ट क्लास है, सबसे फर्स्ट वीडियो, सबसे फर्स्ट लेक्चर है। और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सिलेबस की जानकारी लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। वैसे भी हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में, उस विषय में अच्छा तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अन्यथा आपको यह भी मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए जरूरी बनता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा अंक लाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, उनका सिलेबस का जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यह फर्स्ट क्लास है 2024 के बैच का, तो आप लोगों को मेरी बातों को ध्यान से सुननी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स रखे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स रखें, बहुत अच्छा काम किए हैं। इकोनॉमिक्स आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको न्यूमेरिकल वगैरह सीखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा माइंड जो होता है, इससे चंचल काम करता है, यानी थोड़ा सा माइंड एक्टिव होकर के आप इस सब्जेक्ट को, इस विषय को आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें GDP, NNP, GNP, NI यानी नेशनल इनकम, ये सब चीज निकालने के लिए आप सीख जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको दिमाग से ये चीज निकाल देना है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो होता है, काफी भाष्ट सब्जेक्ट होता है, काफी कठोर सब्जेक्ट होता है, आसान नहीं होता। ये सारा चीज आपको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, आपको फ्री में यूट्यूब में यहां क्लास कराई जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजिंग हुए। तो इस बार क्या बदलाव हुआ, नया पैटर्न क्या हुआ, क्या नया पैटर्न क्या है, और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर कितना मार्क्स से, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है, PDF नोट्स वगैरह कहां से आपको मिलेगा, जैसे कि हम चैप्टर बाय चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उसका नोट्स आपको कहां से मिलेगा, यह सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए आपका जो बुक है वो दो पार्ट में बटा हुआ, और फुल मार्क्स जो होते हैं इसमें आपके इकोनॉमिक्स में 100 होते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स में कम से कम 80 मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको सीरियसली थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। बुक जो है आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में फर्स्ट चैप्टर है आपका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं, तो इसमें आपको आसानी से सारा चीज समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। हम लोग क्या है, उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर। कोई भी चीज को खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता नहीं कंज्यूमर बोलते हैं। हम लोग चीज खरीदते हैं ना, सामान डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जो सामान उपयोग करते हैं वो चीज खरीदते हैं हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ठीक है। उत्पादन तथा लागत, ये थोड़ा चैप्टर जो है, ये तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे माइंड से, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह आते हैं, ठीक है। बाकी तो पहला का दो चैप्टर है, इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट जो दिया है बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, यानी जब फुल्ली कंपटीशन मार्केट में होती है, तो फॉर्म यानी कंपनी या फिर फॉर्म या फिर जो भी चीज, जो भी संस्था होती है जो वस्तु का उत्पादन करती है, वह कौन कौन सा थ्योरी, कौन कौन सा सिद्धांत अपनाता है, वह सारे चीज के बारे में चैप्टर फोर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा चैप्टर का नाम है बाजार संतुलन यानी मार्केट कंपटीशन, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता और बाजार के बीच कैसे संतुलन बनाए रहे, यानी उपभोक्ता और कंपनी जो सामान उत्पादन करती है उसके बीच संतुलन यानी बैलेंस कैसे बने रहे, ये सारा चीज का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे वो आपका पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है बाजार संतुलन, ठीक है। छठा चैप्टर का नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। रहित का मतलब होता है के बिना। अभी आप मेरी क्लास को, मेरी जो कर रहे हैं, मेरी वॉइस को जो सुन रहे हैं, मेरी आवाजों को जो आप सुन रहे हैं, तो मोबाइल होगा आपके हाथ में, या फिर आपके हाथ में लैपटॉप होगा, या फिर PC होगा, ठीक है। तो आप अभी क्या कहलाएंगे, मोबाइल सहित या फिर मोबाइल रहित, नहीं, मोबाइल सहित कहलाएंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप सहित कहलाएंगे, PC है तो PC सहित कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में जब मोबाइल ना हो, कुछ भी ना हो, तो उस टाइम आप क्या कहलाएंगे, मोबाइल रहित कहलाएंगे। मोबाइल अगर है आपके हाथ में तो सहित, नहीं है तो रहित। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिस बाजार में कोई कंपटीशन नहीं चलती है, कोई मतलब एक तरह से प्रतिस्पर्धा नहीं चलती है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। और इस बाजार में कोई एक संस्था, कोई एक फॉर्म, कोई एक कंपनी, कोई एक सरकार का कब्जा रहता है, यानी पूरा उसी का पकड़ रहता है, वो मनमानी करता है, कोई चीज की कीमत को कितना बढ़ाएगा, कितना घटाएगा, सारा उसी के हाथ में रहता है, ठीक है। यानी मनमानी चलती है यहां, समझे, एक तरह से मनमानी चलती है। तो ये छठा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो ये टोटल 6 चैप्टर है इसमें, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में टोटल कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए। अब चलिए दूसरा बुक का नाम है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है,
ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें सारे फॉर्मूले इसी में आते हैं, सबसे बेस्ट बुक आपका यही है और सबसे ज्यादा समय आपको इसी बुक में देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आपका परिचय, परिचय अगर फर्स्ट चैप्टर का नाम है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर का फर्स्ट नाम है परिचय, मतलब दोनों का जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिचय है। ठीक है, अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय चैप्टर फर्स्ट वन पढ़ लेते हैं तो आपको समष्टि का परिचय इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट जो है लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये भी आपसे हो जाएगा। अब चलिए दूसरा जो चैप्टर है, इतना इसमें कितना VBI लगाइए कम है, मतलब इसमें हम जितना भी VBI लगाते कम है क्योंकि दूसरा ही चैप्टर जो आपका पूरा एक तरह से जड़ है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें विद्यार्थी आकर के स्टूडेंट आकर के मतलब घबरा जाते हैं कि हमसे इकोनॉमिक्स नहीं हो पाएगा, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, मेरा इकोनॉमिक्स सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस चैप्टर में कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा और इस चैप्टर में सारा चीज है आपका GNP GDP NNP GI। ठीक है, ये सारा चीज जो आपका नेक्स्ट सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन में आता है, जितना भी VBI लगा है इसमें कम है, इसमें आपको अच्छे खासे से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब इससे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में उनका फिर दिमाग घूमने लगता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरा तरह से आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर आपका मुद्रा और बैंकिंग, इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें CRR CPR RR ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, आय और क्या होता है, रोजगार क्या होता है, ये तो आप समझते हैं, तो काफी इजी चैप्टर ये आपको समझ में आ जाएगा। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यानी सरकार यानी गवर्नमेंट जो बजट पास करती है और अर्थव्यवस्था के बीच उनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये सारा चीज के बारे में हम लोग पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे। खुली अर्थव्यवस्था छठा चैप्टर का नाम है, सॉरी, ठीक है, छठा चैप्टर का नाम क्या है, खुली अर्थव्यवस्था यानी समष्टि अर्थशास्त्र, ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट हो, किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हो। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भी खुली अर्थव्यवस्था है क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अर्थव्यवस्था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, जिस देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी जनरली। ठीक है, दुनिया के जितने भी अभी अर्थव्यवस्था है, जितने भी देश के, वो लगभग सभी खुली अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग बंद इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं अपनाएंगे, क्लोज इकोनॉमी अपनाएंगे, तो हम लोगों का पेट्रोल नहीं आएगा अरेबियन कंट्री से, जितने भी ईरान इराक अरब ओमान कतर जितने भी जहां से भी हम लोग पेट्रोल मंगाते हैं तो वो नहीं आएगा, और हम लोग जो भी निर्यात करते हैं वो भी नहीं होगा। तो हम लोगों का क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है, कोई किसी भी देश से किसी भी अर्थव्यवस्था से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका काफी इजी है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एक तरह से काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ध्यान देने का मतलब ये है कि ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको आसानी से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और NCERT बच्चों को समझ में नहीं आती आप लोगों को, तो फिर आप किसी दूसरे बुक का तरफ रुख ले लेते हैं, किसी दूसरे बुक को पलटाने लगते हैं। देखिए SBPD जो बुक है आपका, SBPD ये काफी मतलब अच्छा सेशन है, और SBPD और NCERT, ठीक है, SBPD और NCERT दोनों का जो थ्योरी है मिला करके, यानी NCERT का भी नोट और SBPD का भी नोट, दोनों का नोट एक साथ मिला करके पढ़ाया जाएगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र में। अगर आप सोच रहे हैं कि हम NCERT पढ़ रहे हैं फिर SBPD पढ़ेंगे तो फिनफालतू आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास जो आपका कॉन्टेंट है, यानी आपको जो हम देने वाले हैं, आपको जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे परिचय, तो परिचय आपका NCERT से भी आपका नोट रहेगा पूरा, ये नहीं कि होता है ना कि NCERT में जो टॉपिक नहीं दिया वो आपका SBPD में दिया है, जो SBPD में कुछ नया टॉपिक रहता है तो वो नया टॉपिक भी आपको इसमें मिल जाएगा, आपको SBPD पढ़ने का जरूरत नहीं है, दोनों बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, दोनों के थ्योरी जो है दोनों चैप्टर के, जैसे कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन आपका NCERT में भी दिया है और SBPD में भी दिया है, तो NCERT का जितना नोट बनेगा वो भी आपको मिलेगा, और SBPD के इसके अलावा NCERT में जो नोट्स हैं, जो थ्योरी है, इसके अलावा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा SBPD में दिया है और आसानी से समझाया गया, तो SBPD का भी आपको मिलेगा इसमें, दोनों का मतलब जोर करके, दोनों को जोर करके हम लोग आपका कंटेंट बनाए हैं, वो आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा जब आप क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है और अच्छी तरह से क्लास करनी है। ठीक है, आप यहाँ लास्ट आपको एक बात ये बता देते हैं, ये आपका बिहार बोर्ड के लिए है सिंपल। ठीक है, बाकी बोर्ड के लिए आपका जो पैटर्न है वो भी बताया जाएगा, सिंपल बिहार बोर्ड के पास नहीं लिखा हुआ था तो हम बता देते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड वाले पढ़ेंगे, यहाँ जो हम आपको सिलेबस बताए वो आपका NCERT के अकॉर्डिंग बताए, आप कोई भी बोर्ड से, चाहे आपका UP बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या फिर आपका MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से है, आपका कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा बोर्ड एग्जाम में NCERT से ही रहेगा, जिस तरह से यहाँ आपको हम सिलेबस बताए। ठीक है, आपका क्वेश्चन कितना होगा वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये बिहार बोर्ड वाले के लिए अगर देख लेते हैं तो उनको जो पूछा जाता है, बिहार बोर्ड वाले को टोटल 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 50 का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, और 50 का आपका
जो होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहता है, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं और 15 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, 15 गुना दो करते कितना हो जाता है आपका 30 मार्क्स हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 8 पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 का आंसर देना पड़ता है, टोटल 20 मार्क्स होता है, या 15 हुआ है 20 होगा यहाँ, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब देखिए नोट्स आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। नोट्स आपको जो मिलेगा, सबसे पहली बात है नोट्स आपको जो मिलेगा, आपको ये नंबर याद रखनी है, ठीक है। नंबर आपको ये याद रखनी है 9263 9263 02 4692, ठीक है। ये नंबर आप सेव करेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो बस सही बात है, आप वहां जाके सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, तो 18,000 स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है, तो वहां आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपको वही मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और तीसरी बड़ी बात कि आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जैसे कि चैनल का लोगो आप रेड कलर का और व्हाइट कलर का लिखा हुआ है, तो चैनल का लोगो से आप समझ जाएंगे, प्ले स्टोर में जाकर के तनुकला से सर्च करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, सारा चीज आपको वहीं मिलेगा। आप अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो सारा चीज वहीं मिलेगा। हम ये पॉसिबल नहीं है, हजारों स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, जिसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल आपका वहीं होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, तनु क्लासेस को आपको सर्च करना पड़ेगा, तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा, जो चैनल का लोगो अभी आप देख रहे हैं उसी लोगो से आपका एप्लीकेशन का एप्लीकेशन है, ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां आपको सारा नोट्स मिलेगा। ये नंबर को आपको मतलब सेव कर लेना है 9263 02 4692, यह आपका ऑफिशियल नंबर है तनु क्लासेस .com चैनल का। आपको कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा, तो आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है, वो आपके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। अगर आपको अच्छी तरह से तनु क्लासेस .com चैनल से जुड़नी है, अच्छी तरह से आपको बेनिफिट उठाना है, यहां से आपको अच्छा तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो आपको तीन काम क्या क्या करना पड़ेगा फिर मैं आपको बता देता हूं। प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहां तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपको कोर्स का भी मिलेगा, आपको कोर्स में इन करेंगे तो आपको सारा चीज मिलेगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह, क्लास जो आपका होगा वो भी मिलेगा, प्लस आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो भी मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज आपको मिलेगा, मतलब एक तरह से कोर्स में जैसे इन करेंगे सारा चीज मिलेगा। अगर सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बीच में जो है बीच में पीडीएफ का सेक्शन बना हुआ, पीडीएफ में जाएंगे ओनली पीडीएफ मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप कोर्स में इन करेंगे तो वहां सारा चीज आपको मिलेगा। अब कोर्स का नाम बोल रहे हैं तो आप दिमाग में ये नहीं बसा लीजिएगा कि कोर्स का दाम जो होगा इतना हाई होगा, नहीं, जितना मतलब टीम के तरफ से जितना वर्क किया गया है उतना ही कोर्स का फी रखा गया, आपको बहुत मिनिमम प्राइस में आपको वहां मिल जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो वहां जाकर के आपको इन करना है, एप्लीकेशन में सारा नोट्स मिलेगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, तनु क्लासेस 18,000 स्टूडेंट वहां जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए, और वो नंबर को सेव करके रखना है, ठीक है। तो कोर्स वगैरह के बारे में जो भी चीज अगर पूछना है तो वो नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, फिर एक बार कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो मैसेज करना है, ठीक है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में जाना, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। सिलेबस के बारे में जानकारी के बाद एक फर्स्ट चैप्टर से सारा चीज आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए और अपने दोस्तों में जमकर के एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फर्स्ट क्लास है 2024 के बैच का, और अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है, और एक तरह से हर एक सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।